नमस्कार, मैं विकास कुमार मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, यह नक्सल आधारित कार्यक्रम है और इसमें हम नक्सलवाद की चर्चा करते हैं। दर्शकों, देश के विकास में कहीं ना कहीं हम सब की भागीदारी होती है, हम सब अपना अपना योगदान देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इन्हीं भटकाव के कारण देश के विकास में रुकावट उत्पन्न करते हैं, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि वही लोग मुख्यधारा में वापस लौटना चाहते हैं और सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। आज हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे और बात करेंगे सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है जो नक्सली हैं, जो नक्सलवाद आंदोलन में सम्मिलित हैं, वो मुख्यधारा में वापस आएं और सुंदर भारत बनाएं, और सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड डीआईजी सीआईडी बिहार, प्रकाश नाथ मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके दर्शकों का और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं ये जो विचारधारा है नक्सलवाद, जो नक्सल विचारधारा है, ये क्या है। मैं थोड़ा चाहूँगा इस पर आप प्रकाश डालें, फिर आगे की चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो सरकार है प्रयास करती है जो मुख्य धारा में उनको वापस लाया जा सके। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले इस विचारधारा के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। दार्शनिक विचारधारा के हिसाब से साम्यवाद पर आधारित दृष्टिकोण को ही नक्सलवाद में अपनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले साम्यवाद की विचारधारा को लाने का काम किया और इसके प्रायोगिक पक्ष को रूस में लेनिन और चाइना में माओ त्से-तुंग ने स्थान दिया। तो नक्सलवाद इन सभी से अलग, आप कुछ कुछ कह सकते हैं कि चाइना के दर्शन पर, चीन के दर्शन पर आधारित एक विदेशी विचारधारा है, जिसे यह विश्वास है, जिसके मानने वाले यह विश्वास करते हैं कि सशस्त्र संघर्ष से सत्ता पर अधिकार किया जा सकता है। जिनका यह मानना है कि सशस्त्र संघर्ष से उन लोगों को अधिकार दिलाया जाता है जो वंचित रहे हैं, जिन्हें अधिकार उपयुक्त रूप से नहीं मिले हैं। और इसी सत्ता संघर्ष की बुनियाद यदि बिहार जैसे राज्यों में देखें, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, इन सब राज्यों में देखें, महाराष्ट्र में देखें, तो किसानों को जिनके पास जमीन का वितरण अच्छी तरह से नहीं है, उन जगहों पर किसानों को उकसाकर, मजदूरों को उकसाकर, उन्हें हिंसक बनाकर उनके माध्यम से सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य इस दृष्टिकोण में है। वैसे शाब्दिक तौर पर नक्सलवाद की जब हम चर्चा करते हैं तो ये एक स्थान से जुड़ा हुआ है जो पश्चिम बंगाल में एक स्थान, पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी एक स्थान है, जहाँ एक आंदोलन कहें, एक संघर्ष कहें, जिससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई। सर, नक्सलियों को आत्मसमर्पण नीति के माध्यम से जो मुख्य धारा है उसमें वापस लाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है, और उन्हें उसके बदले जो लोग आत्मसमर्पण करते हैं, जो लोग मुख्य धारा में वापस लौटना चाहते हैं, उनको रोज़गार या फिर प्रोत्साहन राशि होती है वो प्रदान की जाती है। मैं चाहूँगा इनकी आप चर्चा करें किस तरह से ये काम करता है, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। सरेंडर पॉलिसी भारत सरकार की एक नीति है जिसके तहत नक्सल विचारधारा को मानने वाला और सशस्त्र संघर्ष में शामिल जो भी भटके हुए भारतीय हैं उनको मुख्य धारा में लाने की एक योजना है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी आंदोलन को अगर स्थिर रखना है, कम करना है, उसके प्रभाव को विनष्ट करना है, तो हमें अवसर देना होगा। भारत सरकार ऐसा मानती है कि ऐसे लोग जो इस तरह के अपराध में शामिल हुए हैं वे एक भटकाव का शिकार हुए हैं, उनका कहा जाए तो दार्शनिक रूप से दोहन हुआ है, उनके मस्तिष्क मनोमस्तिष्क को एक वर्ग के प्रति भड़काया गया है और इस भड़कावे में आकर उन लोगों के द्वारा सशस्त्र संघर्ष किया गया है, जिसको रोकने के लिए इस पॉलिसी का, सरेंडर पॉलिसी एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का आयोजन भारत सरकार ने किया है। हमें यह देखना है कि
इस पूरे योजना में जब हम किसी को पुनर्स्थापित करते हैं समाज से, एक लंबे सिरे तक वह अपराधी के रूप में जाना जाता रहा है और उसे मुख्य धारा में लौटाने के लिए यह योजना बनी। इस योजना में जहां एक नियमित धनराशि देने की भी बात है, वहीं यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि वे मुख्य धारा में लौटते हैं तो उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, उनकी पहचान कैसे होगी। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जिस हिंसा में वो शामिल हुए हैं उस हिंसा में जो कानूनन उनका जुर्म है उसकी जो निर्धारित सजा है उसका अनुपालन नहीं होगा। बदले में जो नक्सली विचारधारा के लोग हैं वे यहाँ की पूरी व्यवस्था मानने के लिए, संविधान को मानने के लिए, स्थापित कानून को मानने के लिए, स्थापित व्यवस्था को मानने के लिए, लोकतंत्र को मानने के लिए, चुनावी तंत्र को मानने के लिए अपने को आत्मसमर्पित करते हैं, जिसे एक पूरे विधान के साथ, पूरी योजना के साथ भारत सरकार ने आरंभ किया है और कई राज्यों में, बल्कि अधिकांश राज्यों में इसे स्वीकार करते हुए बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का बात माना और उनमें सुधार आया है। सर, सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो अभी काम कर रही हैं और इस योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जैसे जो रोज़गार है, कई रोज़गार हैं और होमगार्ड जैसी नौकरी है और अन्य कई ऐसी नौकरियां हैं जो उन्हें प्रदान की जाएंगी। मैं चाहूँगा उन चीज़ों की आप चर्चा करें, किस तरह से सरकार इन चीज़ों पर काम कर रही है और क्या क्या विचार कर रही है जो लोग मुख्यधारा में वापस आएंगे उनके उत्थान के लिए। जी, सरेंडर पॉलिसी में जहाँ यह राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वे अपने अपने स्तर से भी कर्मियों के रूप में जब बहालियाँ निकलती हैं, नियुक्तियाँ निकलती हैं, तो उन नियुक्तियों में इन लोगों को मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया जाए, इन लोगों को भी उस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसके तहत हम लोगों ने देखा है कि चूँकि ये ट्रेंड होते हैं, आर्म ट्रेंड होते हैं, थोड़ा बहुत परेड का भी इनको अनुभव होता है, तो इस तरह से जो पुलिस की नियुक्तियां हैं, जो सुरक्षा बलों की नियुक्तियां हैं, जो होमगार्ड्स की नियुक्तियां हैं, जो छोटे छोटे गार्ड्स की नियुक्तियां हैं, या जिनकी जैसी योग्यता है उस अनुरूप होने वाली नियुक्तियों में इन्हें स्थान दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। इसका दो तरफा फायदा होता है, एक उन्हें अथॉरिटी का एहसास होता है, शासन का एहसास होता है, शासन के करीब होने का एहसास होता है, और यह एक मैसेज भी जाता है कि आज जब ये भटके हुए थे तो इनकी गति यह थी कि पुलिस इनके पीछे पीछे दौड़ती थी, इन्हें घर में रहना दुभर हो जाता था, और अब ये उसी प्रशासनिक तंत्र के अंग हैं, उसी को लागू करते हुए यह सिद्धांत को व्यवहार में अमली जामा सरकार पहना रहा। सर, अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें, तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो जगह नक्सल प्रभावित रहे, जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहे हैं, उनकी स्थिति अभी क्या है, वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो। अब विकास जी, आपका यह प्रश्न वास्तव में बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2010 एक ऐसा वर्ष था जहाँ नक्सलवाद ने नए सिरे से काफ़ी क्षति पहुंचाई। बिहार सहित मैं कहूं अगर कि बहुत सारे राज्य जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उसके बाद आप अगर देखें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कोई मतलब 13 राज्यों में कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जिसमें दक्षिण के भी राज्य आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में काफ़ी हिंसक घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक एक स्थिति तो यह हुई कि कलकत्ता से मुंबई जाने वाली ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्रियों की हत्या कर दी गई नक्सलियों के द्वारा, पुलिस बल के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई। लेकिन आज 2021 में मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है, बल्कि बताते हुए आपके दर्शकों को, कि हमारे भारत के गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि आज नक्सलियों का प्रभाव का जिला मात्र 41 जिले पूरे देश में रह गए,
और बिहार जैसे राज्यों में तो लगभग यह बिहार सरकार के प्रयास से लगभग यह समाप्ति के कगार पर है। कुछ जो निशानियां रह गई हैं वो भी अब लगभग समाप्ति की ओर चल पड़ी हैं। इन 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 सब अभियानों का, इन सारे अभियानों का अगर लबोलुभाव हम ढूंढें कि क्या है इसकी खासियत, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि तीन चार तरीके अपनाए गए। एक, क्षेत्रों का विकास किया जाए, बड़े पैमाने पर विकास किया जाए, सड़कों की जाल बिछाई जाए, मोबाइल नेटवर्क को इतना मजबूत किया जाए कि सूचनाएं बहुत तेजी से प्रसारित प्रकाशित हो सकें। उसके बाद लोगों में इतने लोगों को इतने अवसर दिए जाएं, काम के अवसर दिए जाएं, उन्हें समाज में मिलने के अवसर दिए जाएं कि वे इस आपराधिक दुनिया से अपने को अलग कर सकें और यहाँ उनका स्थायित्व हो, जहाँ वे शांति, सुकून और पारिवारिक जीवन सम्मान के साथ बिता सकें। तो इस इन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज मैं कह सकता हूँ कि नक्सलवाद पूरे भारत में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। सर, अगर विकास की बात करें तो जो क्षेत्र कभी नक्सल प्रभावित रहे हैं, जहां विकास पूरी तरह पहुंच नहीं पाता था या पहुंच नहीं पाता था, उन क्षेत्रों की अभी क्या स्थिति है, किस तरह से उन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, चाहे सड़क की बात कर ले या बिजली की बात कर ले या स्कूल शिक्षा की बात कर ले, तो किस तरह से उन क्षेत्रों में अभी विकास कार्य चल रहा है ताकि जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो लोग हैं, उनकी उन्नति हो सके, वहाँ के लोग भी पढ़ सके और सड़क उनके घर तक पहुँच सके, उस उन जगह की वर्तमान स्थिति विकास को लेकर क्या है, ये हमें बताएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मुझे यह बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार या अन्य राज्य सरकारें जहां नक्सलियों की गतिविधियां हैं, तथा भारत सरकार, दोनों ने समान रूप से विकास को केंद्र बनाया है। इन क्षेत्रों में जहां नक्सलियों का प्रभाव रहा है, यह मान लिया गया कि नक्सलियों के द्वारा जो भी घटनाएं की जाती हैं वह उस टेरेन के, उस भौगोलिक परिवेश के अंदर अशिक्षा और गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाई हुई एक योजना को इनके द्वारा, नक्सलियों के द्वारा माने दोहन के रूप में लोगों को नक्सली बनाया जा रहा है। इस पर वार करने के लिए विकास ही वो रास्ता है जिससे उनके पूरे प्रयास को निष्फल किया जा सकता है। जाहिर है कि इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, लागू हैं। सड़कों का जाल, जैसा कि मैंने कहा कि विशेष योजना, काफ़ी ज़्यादा राशि माने लगभग 976 करोड़ एक एक राज्य में ये राशियां दी गई, खर्च किया जा रहा है कि सड़कों का जाल उन गांवों तक पहुंच सके, उन क्षेत्रों तक पहुंच सके। पढ़ाने के नाम पर जो ITIs हैं, ये 47-48 ITIs खोले गए हैं, जिसमें बिहार में भी 6-7 ITI खोलने की कार्रवाई हुई है। छोटे छोटे रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए हैं, एकलव्य विद्यालय, जिनकी भी संख्या है, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का, ये भी उन क्षेत्रों में खोले गए हैं जो कभी नक्सलियों के आक्रमण से प्रभावित थे। और इसी प्रकार मोबाइल नेटवर्किंग के द्वारा पूरे क्षेत्र में मोबाइल टावर खड़े किए जा रहे हैं। अगर और देखें तो ग्रामीण विकास योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से भी सड़कों का, छोटी छोटी सड़कें जो गाँव के गलियों में जा सके वो बनाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना। उसके बाद राज्य सरकार का अगर जो 7 निश्चय बिहार सरकार का है, उसके तहत भी ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता से चुना जा रहा है, उसे केंद्र में लिया जा रहा है जहां पर नक्सलियों का कभी दबदबा हुआ करता था। और आज इन क्षेत्रों में विकास की कार्रवाई हुई है, जिसका परिणाम हुआ है कि जब हमारा ये स्थानीय निकायों का चुनाव होता है, जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का चुनाव होता है, उसमें भी बहुत सारे पूर्व नक्सली मैं जानता हूँ जो स्वयं खड़े हुए हैं, आज वो प्रतिनिधित्व गांव का कर रहे हैं, उनकी पत्नी खड़ी हुई है, वो भी वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन
हो रहा है और आने वाले कुछ एक वर्षों में आपको शायद इतिहास के पन्नों में ये सारी नक्सली गतिविधियां मिलेंगी। सर, आपने अभी चर्चा की और कह सकते हैं सरकार के इतने सालों के अथक प्रयास के बाद आज ये मुमकिन हो पाया है कि जो नक्सलवाद है उसमें काफ़ी भारी कमी आई है। सरकार की कई योजनाएं जो सामने आई हैं, जो उन्होंने प्रयास किया है और जो मुख्य धारा में वापस लाने को मजबूर किया उन्होंने जो इस नक्सलवाद आंदोलन में सम्मिलित थे, तो मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा बताएँ कि सरकार की जो ये पूरी कोशिश थी कितनी हद तक और सफल हो पाई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो नक्सलवाद है उसमें भारी गिरावट, भारी कमी आई है उसको लेकर। जी विकास जी, अपराध अभिलेख ब्यूरो जो भारत सरकार की एजेंसी है, जहां सभी राज्य सरकारें अपने यहां घटित होने वाले अपराधों की सूचना भेजती है और उसका एक कंपाइल लिस्ट तैयार होता है, अगर उनके आंकड़ों को, जिसे हम 100% सही मानते हैं, यह बिल्कुल सत्य होता है, उन आंकड़ों की माने तो आप सोच लें कि 2010 में जहां 1009 नक्सली हत्याएं पूरे देश में हुई, वहां 2019 आते आते ये संख्या 109 पहुंच गई और आज मुझे नवंबर 22 तक का आंकड़ा मेरे पास में है जिसके अनुसार यह 100 भी नहीं पहुंचा। तो आप कह सकते हैं कि हत्या में 85% से अधिक की गिरावट आई। जहां तक नक्सली घटनाओं की बात करें तो इसमें भी 55% से ज्यादा कमी आई है। ये इंडिकेटर्स हैं कि नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटना शुरू कर दिया है। इन इंडिकेटर्स के अलावे अगर हम लोग इस पूरे पूरे परिदृश्य को राष्ट्रीय लेवल पर देखना चाहें तो इसमें कोई शक नहीं है कि नक्सली घटनाओं में भारी कमी आई है। अब इसके पीछे के कारणों का जो मैंने उल्लेख किया कि एक तरफ हमने CPMF सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को उनका आधुनिकीकरण किया, उनके पास में SRE योजना के तहत काफ़ी पैसा लगाया गया और उन्हें मॉडर्नाइज किया गया, उनकी शक्ति बढ़ाई गई। वहीं कुछ कानून भी ऐसे लाए गए जिससे अगर इतना करने के बाद भी नक्सली नहीं मानते हैं तो उन्हें सख्त कानूनों के दायरे के अंदर दंडित भी किया जाए। दूसरी तरफ जो इसका मूल कारण था कि कृषि क्षेत्र में विकास, उद्योग के क्षेत्र में विकास, अवसर के क्षेत्र में विकास, ज्ञान के क्षेत्र में विकास, तो इन सारे विषयों को शामिल करते हुए एक समेकित विशेष योजना बनाई गई, उसके साथ सरेंडर पॉलिसी का भी लाभ किया गया। तो इन सब का फलाफल संयुक्त रूप से अगर हम देखें तो यह हुआ कि नक्सलियों की ओर लोगों के जाने का झुकाव कम हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लगभग खत्म हो गया है। वहीं लैंड रिकॉर्ड का जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे जो इनके द्वारा जमीन पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया जा रहा था, इसमें भी गिरावट आई है, क्योंकि अब रिकॉर्ड कीपिंग में काफी सुधार हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे हम आधुनिकीकरण और विकास की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों से हम दूर होते जाएंगे, हमारे युवक युवती दूर होते जाएंगे और पूरा देश विकास के एक नए आयाम को स्पर्श करेगा जो सुखद भारत के लिए और सुखद भारतीयों के लिए एक उपयुक्त अवसर होगा जिसका लाभ उठाने का समय अब आ गया है। सर, हम नक्सलवाद विचारधारा की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर युवा जो हैं वो इस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर युवा ही इस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं? मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। भारत युवाओं का देश है और युवा शक्ति सबसे सबल होती है, इसलिए उसे कोई भी विचारधारा अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। नक्सली विचारधारा के लोग भी युवाओं को टारगेट करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भारत के युवा भारतीय संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर इन्हें हम थोड़ा भी इन्हें इस अविश्वास में डाल दें, शंका में डाल दें, तो फिर इनका संगठन मजबूत हो जाएगा। इसी को केंद्र करके ये युवाओं को लक्ष्य करते हैं, मगर
शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि आज का युवा भारतीय संविधान को मानने वाला युवा है, आज का युवा भारत के परिदृश्य में विकास को मानने वाला युवा है। आज के युवक युवती यह देखते हैं कि केवल विचारधारा से दुनिया नहीं चल सकती है, और इस विचारधारा में भी जितनी कमियां आ गई हैं, वह चीन जैसे देशों में ये कमी दिखाई पड़ रही है। ऐसे देशों में इन कमियों को केंद्र में रख करके युवा सोचता है। अर्बन नक्सलिज्म एक नया कंसेप्ट आया है। भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद से ये माना गया कि देश के बहुत नामी गिरामी बड़े शहरों के कुछ यूनिवर्सिटीज इस प्रकार की विचारधारा को तरजीह देने लगे हैं, और वहाँ पर संविधान के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, इतिहास के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ बहुत सारी चीज़ों को स्थान दिया जाने लगा है। इस धारणा का विरोध भी उतने ही पुरजोर तरीके से जगह जगह पर उन्हीं संगठनों में युवा कर रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन है। इसको अभी समझने की आवश्यकता है कि देश का युवक, देश की युवती अपनी निष्ठा अपने राष्ट्र के प्रति रखती है, राष्ट्रवादियों के प्रति रखती है, विचारधारा के प्रति उसकी निष्ठा अगर कहीं पर है तो वह उन विचारधाराओं पर है जो उन्हें रोजगार देगा, जो उन्हें अवसर देगा, जो उन्हें ज्ञान देगा, जो उन्हें विज्ञान देगा। अन्य विषयों पर इनकी बहुत अधिक रुचि नहीं है, और यह अवसर भी उनके लिए एक बड़ा अवसर है कि वे देश की दिशा, दशा और विकास की अवस्था तीनों को बदल सकें, जिसमें वे लग गए हैं। इसलिए जैसे जैसे ये इससे हटते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे विकास की रफ्तार भी देश की बढ़ती जाएगी। सर, अब कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, मैं जाऊंगा, अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो जरूर दें। मैं पटना दूरदर्शन का धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के कुछ मेरे ही भाई बहन रास्ते से भटक गए हैं, उन्हें सही रास्ते पर लौट आना चाहिए। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हथियार को छोड़ें, हिंसा को छोड़ें, विकास में बाधा उत्पन्न करने की विचारधारा को छोड़ें और मुख्य धारा में शामिल हो, जहां लोकतंत्र है, जहां संविधान है, जहां असंख्य अवसर है, जहां रोजगार है, जहां शांति है, जहां एक व्यवस्थित व्यवस्था है, और देश विकास के लिए आपकी बात जोह रहा है। और हमारा नागरिकों से अपील होगा कि जो कोई भी हमारे भटके हुए भाई मुख्य धारा में लौटते हैं, उन्हें आदर दें, सम्मान दें, उन्हें अपना बराबरी दें, और ऐसा कभी नहीं होने दें, कतई नहीं होने दें कि फिर से लौटकर वह बंदूक का, तमंचे का सहारा ले अपराध की दुनिया में जाए, नक्सलवाद की दुनिया में जाए। मैं इतना ही अपने सभी पढ़े लिखे भाइयों से कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ को ऐसी बातों का अखाड़ा नहीं बनाएं जो देश विरोधी है। अर्बन नक्सलवाद एक दाग है, इसे छोड़ें, मुख्य धारा में लौटें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी प्रदान की, नक्सलवाद विचारधारा के बारे में बताया, और आत्मसमर्पण नीति जो सरकार के द्वारा की जाती है, जो नीति, उसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो लौटे हुए, मुख्य धारा में लौटे हुए नक्सली भाई हैं देश भर में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आपके पूरे दूरदर्शन की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की नक्सलवाद विचारधारा के बारे में, और सरकार की अलग अलग आत्मसमर्पण नीति की बात की, और सरकार किस तरह से जो नक्सल आंदोलन में सम्मिलित हैं उनको मुख्य धारा में वापस लौटने के लिए प्रयासरत है, और किस तरह से उन्हें अलग अलग महत्वाकांक्षी योजनाएँ प्रदान की जा रही हैं उनके लिए, आज हमने सब चर्चा की। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, लेकिन पहलू होगी कुछ अलग हटकर, जिसमें हम नक्सलवाद की ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।